हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और वेलकम टू माय चैनल द डेली स्पेशल। मैं फिर से आ गया एक और नया वीडियो लेकर। आज मैं बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ, एक पनीर से बनने वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। पनीर तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को बहुत पसंद होता है, इवन मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज मैं पनीर से बनने वाली एक रेसिपी बताने वाली हूँ आपको, बहुत ही इजी वे में बताने वाली हूँ। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि हमारे पनीर बॉल्स सॉफ्ट नहीं बनते हैं, जो कोफ्ता बॉल्स होती हैं वो सॉफ्ट नहीं बनती हैं, मंचूरियन बॉल होती हैं वो सॉफ्ट नहीं बनती हैं, और स्पेशली जो पनीर बॉल हम लोग जो बनाते हैं, पनीर कोफ्ता वगैरह, मलाई कोफ्ता और भी कई सारे कोफ्ते बनते हैं पनीर से, तो वो सॉफ्ट नहीं बनते हैं। सॉफ्ट बन भी जाते हैं तो क्रैक होने का डर रहता है, फटने का डर रहता है फ्राई करते टाइम। तो वही सब परेशानी दूर करने आई हूँ मैं एक वीडियो लेकर। बहुत ही अच्छी आपको टिप्स और ट्रिक्स मैं इसमें बताऊंगी आपको कि आपके पनीर बॉल्स फटे भी ना और बिल्कुल सॉफ्ट बने बिल्कुल। टिप्स और ट्रिक्स जाने के लिए पूरा वीडियो देखते रहिएगा। शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है ना उस पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ। मैंने यहाँ पे बॉयल्ड आलू ले लिए हैं, मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं जिनको मैंने कट करके बॉईल किया है। मैंने यहाँ पे मैं ज़्यादातर कट करके ही आलू बॉईल करती हूँ, क्योंकि उससे हमारी गैस की भी बचत होती है और हमारे टाइम की भी बचत होती है, तो जल्दी से हमारे आलू बॉईल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू है, मैं उनको ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूँगी। और मैंने यहाँ पे पनीर लिया है, फ्रेश पनीर लिया है मैंने, मैं इसको भी अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। मैंने यहाँ पे छोटा वाला ग्रेटर लिया है, बिल्कुल बारीक वाला, उससे ग्रेट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे आलू और पनीर ग्रेट हो गए हैं। तो अब हम इसमें जो भी हमारे मसाले हैं वो मैं इसमें मिलाऊंगी। यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर मिला रही हूँ, टर्मरिक पाउडर मिला रही हूँ, दोनों चीज़ें मैंने आधी चम्मच रखी है। यहाँ पे मैंने 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट ले लिया है और कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है, 2 टेबल स्पून है वही मैंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है, सिर्फ 2 स्पून मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर यूज़ किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके मैं यहाँ पे साइड में रख दूंगी और इसकी कोफ्ता बॉल्स बनाऊंगी। मलाई कोफ्ता की रेसिपी बताने वाली हूँ, तो बने रहिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने हल्के हल्के हाथों से पनीर वो कोफ्ता बॉल्स बना ली है, उसको मैंने एक कटोरी में अलग कॉर्नफ्लोर ले लिया, उसे मैं कोट करती जाऊंगी। तो यहाँ पे मैं पनीर बॉल्स बना लेती हूँ जल्दी से। तो ये हमारी पनीर बॉल्स बन गई है, अब मैं इसको कोट करती जाऊंगी। उस तरफ मैंने कढ़ाई में डीप फ्राई करने के लिए ऑयल भी चढ़ा दिया है, तो जब तक वो गर्म होता है तब तक मैं इनको कोट कर लेती हूँ। गर्म हो गया है। और हाँ, बहुत ही ज़रूरी बात, टिप्स आपको मैं बताने वाली हूँ, जो भी आप ये कोफ्ता बॉल्स इनको जब आप डीप फ्राई करें या सैलो फ्राई करें, तो इसको आप मीडियम फ्लेम पे ही डीप फ्राई करें और तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी आप इसको डीप फ्राई करें। तो ये देखिए, ये हमारी कोफ्ता बॉल्स अच्छे से सीख गई हैं और गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक उनको पलटिएगा नहीं, जब तक कि उनकी एक लेयर बन नहीं जाती है, ताकि वो फूटे ना, तो तब तक आप उनको फ्राई करते रहिएगा। जब आपको लगने लगे कि हाँ नीचे से ये ब्राउन हो गई है, तब आप उनको पलटिए। तो इसी तरीके से दोनों तरफ अच्छे से सेक लीजिएगा और फिर ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है और मैंने इनको निकाल लिया है। अब मैं तैयारी करती हूँ ग्रेवी की। यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टोमेटो ले लिए हैं जिनको मैंने रफली चॉप्ड कर लिया है, 2 मीडियम साइज के ही मैंने अनियन लिया है जिसको मैंने रफली चॉप्ड कर लिया, और ये मैंने कुछ कैश्यू लिए हैं मतलब काजू लिए हैं और लगभग 2 चम्मच लिए हैं मैंने, और ये 2 आलमंड्स लिए हैं और ये पीनट्स लिए हैं मैंने कुछ लगभग 1 चम्मच मैंने पीनट लिए हैं, और ये 6 से 7 मैंने ग्रीन चिली लिए हैं, और ये मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है जो कि 1 टेबल स्पून है। अब इन सबको मैं फ्राई करूंगी। जो भी मेरा एक्सेस ऑयल था कढ़ाई में, मैंने उसको निकाल दिया है। इसमें बस मैंने 1 बड़ा चम्मच लिया है, इसमें मैं पीनट सबसे पहले डाल दूंगी और ये सारे जो ड्राई फ्रूट्स है सब डाल दूंगी, सब एक साथ डाल दूंगी कि मैं इसको कम से कम तेल में इसको बनाने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे जितनी भी सारी चीजें थी वो सब कुछ डाल, मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाला है दिया है मैंने इसमें। अब इसको थोड़ा सा मैं 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करूंगी, फिर मैं इसको ढककर पकाऊंगी ताकि हमारी सारी चीजें अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। आधी चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर डाला है और ये अच्छे से हमारी सॉफ्ट हो गई है। लगभग 5 मिनट के लिए मैंने इसको धीमी आंच पे पका लिया है, सॉफ्ट हो गई है। तो ये देखिए इस तरीके का पेस्ट बन गया है। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तब मैं ग्राइंड कर लूंगी। देखिए अब मैंने अपने जार में ट्रांसफर कर लिया है इसको, अब मैं इसको जल्दी से ग्राइंड कर लेती हूँ।
अच्छे से ग्राइंड हो गया। देखिए इस टाइप का हमारा पेस्ट तैयार हुआ है। मैंने उसी कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, फिर उसमें मैंने वही जो पेस्ट तैयार हुआ था उसमें मैंने डाल दिया, उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। तेल छूटने लगा तब तक आपको उसको फ्राई करना है। फिर मैंने उसमें मैंने यहाँ पे एक गिलास दूध डाला है, क्योंकि मैं यहाँ पे पानी यूज़ नहीं करूँगी, मलाई कोफ्ता बना रही हूँ, इस वजह से मैं इसमें दूध यूज़ करूँगी। ये भी एक टिप है, आप पानी की जगह दूध यूज़ करके देखिएगा, आपके सब्जी का टेक्सचर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी तो एकदम लाजवाब आएगा, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से तेल छोड़ने लगा था तब मैंने इसमें दूध डाला है एक गिलास। अब इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल देती हूँ और मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है। अब इसको मैं बॉयल आने तक ढककर पकाऊंगी धीमी आंच पर। ये देखिए इस टाइप की हमारी सब्जी तैयार हो गई। कलर भी देखिए कितना अच्छा आया है और हमारी बॉल्स भी आप पहले ही देख चुके हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी, इस टाइप की बॉल्स बन गई। अब मैं उसमें ग्रेवी जो हमारी तैयार हुई थी उसमें मैं ग्रेवी डाल दूंगी और इसको गार्निशिंग कर लूंगी मैं मलाई से। मैं यहाँ पे मलाई ऊपर डेकोरेट करने के लिए डाल रही हूँ। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है और खाने में तो बहुत ही अच्छा, एकदम ये लग रहा था कि कॉटन है, मुँह बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने थे। तो यही आप टिप्स के साथ बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनते हैं मलाई कोफ्ते। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जब भी आप कोई भी कोफ्ता बॉल्स बनाते हैं तो उसमें कम से कम कॉर्नफ्लोर यूज़ करिएगा या कॉर्न स्टार्च जो भी आप यूज़ कर रहे हैं मैदा वगैरह, उसको कम से कम यूज़ करिएगा। इतना यूज़ करिएगा कि वो अच्छे से बाइंड हो जाए और उसको धीमी आँच पर आप उसको अच्छे से फ्राई करिएगा। जब उसकी एक नीचे से लेयर बन जाए तब उसको पलटिएगा, उससे पहले मत पलटिएगा। और धीमी आंच पे ही इसको, तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप इसको फ्राई करिएगा और धीमी आंच पे फ्राई करिएगा। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम लोग स्किप कर जाते हैं, हमारी बॉल्स वगैरह हैं वो क्रैक हो जाती हैं या फिर सॉफ्ट नहीं बनती हैं। तो यही टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आप बनाइएगा, आपकी मंचूरियन बॉल कोफ्ता बॉल बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। और इस टाइप से आप बनाइएगा सब्जी कोफ्ता मलाई कोफ्ता तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आप इसमें और भी अपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। ये हमारा मलाई कोफ्ता तैयार है। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको टिप्स कैसे लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगे वीडियो तो उसको लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।